मतलब मुझे ईद गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है जो कि इसको साथ बिठाना पड़ा। हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी कराची की लड़की हियर एंड दिस इज सिद्दीकी गोरिल। यस, सो यार गाइस, वेलकम करते हैं आप लोगों का एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में, एक नई वीडियो। चलो मेहनत, चलो। हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो यार गाइस, एक नया मजेदार सा मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि अनबॉक्सिंग होने वाली है, मतलब कि मेरे लिए पीआर है, पीआर पैकेज। तो यार गाइस, आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इसकी। तो आप लोग इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। इट्स मी कराची लड़की है। सो यार गाइस, मुझे अभी एक पीआर रिसीव हुआ, मतलब एक पार्सल रिसीव हुआ है, वो भी मेरे फैन की तरफ से, ईद गिफ्ट है, ठीक है। तो यार गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस के लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ पार्सल में क्या है और क्या क्या उन्होंने मुझे सेंड किया है, ठीक है। जो पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, मैं आपके साथ उसकी जो है ना अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूँ। एंड देन बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, आप लोग भी देखिएगा, फुल व्लॉग देखिएगा और बिल्कुल भी इतना सा पार्ट भी नहीं मिस कीजिएगा, ठीक है। और ये मेरा ईद गिफ्ट है, तो मैंने वैसे भी ज्वेलरी जो है ली नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह इनकी ज्वेलरी देखते हैं और चेक करते हैं कि इनका काम कैसा है और इनकी ज्वेलरी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और आप लोगों को दिखाते हैं कि मुझे क्या रिसीव्ड हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मी, लव यू ऑल। गाइस, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं वैसे ही ओपन कर चुकी थी पार्सल ना, ये मुझे रिसीव्ड हुआ है आसिफ ज्वेलर्स की तरफ से। तो चेक कर सकते हैं, लैपट कंपनी से उन्होंने मुझे सेंड किया है, ठीक है। और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ आपके साथ, देखते हैं उन्होंने क्या क्या दिया है। तो ये आ गई, दिखने में तो बड़ी ही अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो एक ही करके मैं आपको सारी दिखाती हूँ, ठीक है। पहले अच्छी अच्छी वाली दिखाएंगे, फिर लास्ट में जो है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो सबसे लास्ट में दिखाएंगे। वैसे तो माशाल्लाह इनकी सारी ही ज्वेलरी बहुत 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 ही ज़बरदस्त है, लेकिन सबसे लास्ट में वो दिखाएंगे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है। तो रेडी रहिएगा। तो यार गाइस, फर्स्ट पे इन्होंने इतनी प्यारी सी मुझे जो है ना इयर रिंग सेंड की है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। मैंने खोली नहीं है, खोल के मैंने चेक नहीं किया, तो मैं आप लोगों के साथ खोल के चेक करवा देती हूँ। OMG दिस कलर। अच्छा जी, ये है एम आसिफ ज्वेलर्स, ठीक है। तो ये एक सामान नहीं देते, ये जो है ना होलसेल पे काम करते हैं। मीन्स आपको पता है होलसेल पे तो 3 से 6 पीस आपको लेने होते हैं, 6 से 12 पीस। तो ये आ गई, कितने क्यूट लग रहे हैं ये, OMG। तो एक मैं निकाल के चेक कर लेती हूँ इसको, मैं एक पहन के भी चेक करती हूँ कैसे लगते हैं मेरे ऊपर। वैसे मुझे जो है ना अभी ईद के लिए ज्वेलरी चाहिए थी, तो इनका मैसेज आया कि मैं आपको ज्वेलरी सेंड कर रहा हूँ, तो आप लीजिएगा मत, मतलब आप नहीं लीजिएगा। सो या, तो दैट्स ग्रेट। कितनी प्यारी लग रही है ना ये, OMG। ये बहुत क्यूट लग रही है और बिल्कुल सिंपल सी है, और मुझे ऐसी कुछ ज्वेलरी वगैरह पसंद है, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, हिजाब पे इसको ऊपर करके जो है ना स्कार्फ के ऊपर यूँ करके, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और इनके प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं होते। एंड चेक इट आउट दिस, फर्स्ट मैंने आपको ज्वेलरी दिखा दी, अब आती है सेकेंड की बारी, मतलब सेकेंड जो चीज़ इन्होंने मुझे दी है उसकी बारी आती है। मतलब ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आई है। तो पिक्चर में तो ये ऐसे नहीं लग रहे थे, लेकिन रियल में OMG, मतलब क्या, आई एम वेरी हैप्पी। यस, तो रियल में आप लोग चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये, आई एम इन लव विद दिस। सो यार गाइस, सेकंड पे जो है ना उन्होंने दो, मतलब के डिज़ाइन सेम है और कलर अलग अलग है, तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और फर्स्ट हम पहले ओपन करेंगे, देखें आप कितना क्यूट लग रहा है। और फर्स्ट पे हम यही ओपन करने वाले हैं, सेकंड पे, सॉरी फर्स्ट तो हम ओपन कर चुके हैं। एंड देन इसको निकालते हैं, हम चेक करते हैं, मतलब पैकिंग भी बहुत अच्छी करके दी थी और एक्स्ट्रा मुझे ये शॉपर्स भी दिए हैं, ताकि जो है अगर ये गुम भी हो गए तो मैं एक्स्ट्रा रख लूँ। तो यार गई, मैं पहनूँ कैसे इसे, चल निकालते हैं। तो इसे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। OMG, ये चौकर है, चौकर टाइप है,
ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा लग रहा है। चेक इट आउट दिस कलर, ठीक है, एंड देन चेक इट आउट दिस, कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब मुझ पे तो और ज़्यादा। या चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, मतलब ये जो अभी स्टाइल चल रहे हैं उस टाइप की ज्वेलरी है। एंड देन मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको ईद पे ज़रूर 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 पहनूंगी। तो आ गई, ईद ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। तो इसकी मैंने ये देख ली है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आप लोगों को जो है ना इयर रिंग्स भी चेक करवा देते हैं कैसे हैं। इसके इयर रिंग्स जो है ना मतलब छोटे छोटे हैं, मिनी वाले हैं, ये चेक कर लें, मतलब कि अगर मैं नॉर्मल रूटीन में ही पहनना चाहूँ तो बड़े क्यूट से लगेंगे, मतलब छोटे छोटे से। तो यार ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, और सेकंड में मुझे ये भी बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच आसिफ ज्वेलर्स। सो यार गाइस, इसी के साथ इसी का दूसरा पार्ट, मतलब के जो है ना इसी का दूसरा कलर, मतलब डिज़ाइन तो सेम है लेकिन कलर थोड़ा सा ना डिफरेंट है, मतलब वो गोल्डन में है और ये ब्लैक में है। तो यार अब इसको ओपन कर लेते हैं, चेक इट आउट दिस, हाउ क्यूट। लेकिन इसके आगे ना ना मुझे गोल्डन ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये भी कम खूबसूरत नहीं लग रहा, ये भी बहुत बहुत प्रिटी लग रहा है। देन इसको भी हम पहन के चेक करते हैं कैसा लगता है मुझ पर। तो या अच्छा लग रहा है, ये बताओ yes. बोलो अच्छा नहीं लग रहा yes. अच्छा लग रहा। तो या थैंक यू सो मच। लो यहाँ कहीं और अटक नहीं सकती, लेकिन मेरे कपड़ों में अटक सकती है। तो यार ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड देन इसकी जो रिंग्स है, मतलब एयर रिंग्स है, एंड ये भी सेम टू सेम है उसी की तरह। तो ये भी साइज़ में उतनी है, लेकिन यार प्रिटी लग रही है, ये बहुत अच्छी ज्वेलरी है इनके पास। और ये इंडियन ज्वेलरी है, यहाँ की ज्वेलरी नहीं, इंडियन ज्वेलरी खुद बनाते हैं, इतना ज़बरदस्त ज्वेलरी का काम है माशाल्लाह, मतलब मुझे बहुत पसंद आया इनका काम। और इनकी ज्वेलरी का मतलब कि इनकी ज्वेलरी जो है ना, इनकी ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत पसंद आई है, और इनका जो सामान दिया है इन्होंने मुझे, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। एंड देन मैं लास्ट में भी आपको रिव्यू दूंगी अच्छे से, और इनको एक बड़ा वाला थैंक यू बोलूँगी। तो या और लास्ट में मैं वो दिखाऊंगी आपको जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर इन्होंने मुझे दिया ये, ठीक है, क्योंकि मेरे ब्लैक कलर, सब जानते हैं कि मैं ब्लैक कलर बहुत 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 ज़्यादा पहनती हूँ। तो इन्होंने ज़्यादातर ब्लैक कलर की ज्वेलरी भेजी है मुझे, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं ब्लैक ज्वेलरी बहुत शौक़ से पहनती हूँ, और ब्लैक ड्रेस भी। तो या चेक इट आउट दिस, ये भी इतना क्यूट लग रहा है। एंड देन मैं भी ये पहन के चेक करती हूँ कैसा लग रहा है ये। सो ये इंडियन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडियन डिज़ाइन है, यहाँ के नहीं है। और यू नो के इंडियन डिज़ाइन ज़्यादा चल रहे हैं। OMG इतना प्यारा लग रहा है, तो मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ, मैं यहाँ भी लगा के तारक मेहता की जो है ना वो बन सकती हूँ क्या। कौन पहनता है ऐसा, कौन बबीता? बबीता तो बेचारी कुछ पहनती भी नहीं है, बट कूल लग रहा है ये। बट कूल दया पहनती है, हाँ दया पहनती है, दया ऐसी तो पहनती है गले में। ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, चेक इट आउट दिस एंड सी, ओ बहुत प्यारी लग रही है मुझे। और मैं सारे मतलब कि मैंने खोल के चेक नहीं की थी, मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया था कि हाँ ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जो वीडियो है ना वो आपके साथ बना के शेयर करूँगी, कि पहन कर चेक करूँगी कि मुझे ज्वेलरी कैसी लग रही है पर्सनली। तो मैंने यही सोचा था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया सब रिव्यूज़ वगैरह, ताकि जो आसिफ ज्वेलर्स हैं वो भी देख सकें और मेरे रिव्यू इन्जॉय कर सकें। उसके बाद इन्होंने मुझे ये साइन किया है, तो ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, हिजाब के ऊपर जो है ना ये अच्छा प्यारा लगेगा। तो ईद पे देखेंगे आप लोग मुझे, ऑफ कोर्स ईद के लिए एक्साइटमेंट होगी आप लोगों को, है ना। तो यार चलो ये भी ओपन कर लेते हैं, मतलब दिखने में इतना क्यूट लग रहा है ना, मतलब आप लोग रियल में देखोगे ना तो यू विल लव इन दिस, मतलब आप लोग भी इसके अंदर, मतलब लड़कियों को तो वैसे ही इतनी मोहब्बत होती है ज्वेलरी से, तो मुझे सबसे ज़्यादा है। तो ये देखें मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है, और आहा वैसे वाला फूल लग रहा है, नहीं लग रहा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा यस यस, ओ बहुत जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो या चेक इट आउट दिस, ये भी कितना प्यारा लग रहा है और कितना कूल लग रहा है। एंड देन इसका कलर बड़ा प्यारा लग रहा है यार, ब्लैक अच्छा लग रहा है, नहीं लेकिन देखो यहाँ भी अच्छा लग रहा है ना, कैसा अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। नागिन लग रही जी, तुम होगी नागिन। तो यहाँ देखें ये भी अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये सिर्फ कान पे अच्छा लगता है, कान पे अच्छा लग रहा है। तो बच्चा मैं हिजाब करूंगी ना, हिजाब की वजह से मुझे यहाँ पहनना पड़ेगा और यहाँ, मतलब ये दिखेगा बाहर से दिखेगा,
मतलब ज़्यादा प्यारा लगेगा ये। थैंक यू सो मच। चले अब दोनों बुंदे तो मैं पहन के दिखा नहीं सकती, तो ये एक है और ये एक दूसरा जो मैं पहन चुकी हूँ। एंड देन इसकी रिंग, आई एम ऑब्सेस्ड। या मैं इसमें पहनती हूँ, मैं अपनी इंतखाबी निशान उतार के, इंतखाबी निशानी अंगूठी उतार के इसके अंदर पहनना पसंद करूँगी। ओ मेहरबा अच्छी लग रही है, नो डाउट अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना? यस। चेक कर सकते हैं आप लोग, सब बोले बहुत अच्छी लग रही है, जबरदस्त। कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है ये रिंग, मेरे हाथों में कैसी लग रही है, मैं मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसको मैं लगा चुकी हूँ इसके अंदर, और इसको भी साइड पर रखना, और लास्ट में गिनूंगी कि इन्होंने मुझे कितनी ज्वेलरी सेंड की, वो तो अभी मैंने गिनी नहीं। अच्छा जी, अब बारी आती है सबसे बेस्ट और सबसे, वो जो लास्ट चीज़ बची है सबसे बेस्ट और मेरी फेवरेट, यू नो, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ही ज्वेलरी है, और ज्वेलरी होगा, ड्रेसेस होगा, मेरा क्रश है मेरा वो। तो या अब लास्ट थिंग जो है वो मेरी फेवरेट है, मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट में वो दिखाने वाली हूँ जो कि मेरा फेवरेट होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा फेवरेट है। तो टंटना, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का। वैसे तो मुझे पूरी ज्वेलरी अच्छी लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी क्वालिटी, इनका सामान, मतलब अगर ये ज्वेलरी मैं पहन भी लूँ, अगर मैं इसे किसी शॉपर वगैरह में करके भी ना रखूँ ना, तो इनकी ज्वेलरी मतलब काली पड़ जाती, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मतलब बहुत अच्छी ब्रो, अगर कोई बाय करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर मैं मेंशन कर दूँगी इंशाल्लाह इनसे लेकर, और आप लोग जो है ना फिर कॉन्टैक्ट कर लो। लेकिन एक नहीं बना के देते ये, इन्होंने तो मुझे दिए गिफ्ट के तौर पर ईद के लिए, लेकिन ये एक नहीं देते ठीक है। लेकिन अब इन्होंने शॉप भी बनाई है, मुझे बताया था, तो इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन इनसे आप लोग खुद ले लीजिएगा। एंड देन सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन जो है ना मैंने गोलियाँ खा खा के जो है ना गला सही किया, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इनके लिए, ईद से पहले पहले मुझे ये पोस्ट करनी है इंशाल्लाह, देखते हैं कब पोस्ट करती हूँ मैं। इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके। तो या देखें कितनी क्यूट लग रही है, ये मैंने अपनी फरमाइश पे मंगवाई है ठीक है। तो ये मैंने अपनी फरमाइश पे मंगाई है मैं बोल सकती हूँ, और ये बड़ी प्यारी लग रही है, चेक इट आउट दिस, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये मुझे मतलब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये होता है कि मैं झुमकी कलेक्शन देखूं, और झुमकियाँ मुझे ऐसी ही होनी चाहिए, मतलब साइज़ में भी बड़ी हों और दिखने में भी खूबसूरत हो, मतलब लोग देखें ओ एम जी ये कौन आ रहा है, ये इतनी प्यारी है, सब बोलेंगे वाओ जबरदस्त, क्या पहन लिया ये तुमने, मतलब ड्रेस के साथ मैचिंग की भी होनी चाहिए और बड़ी प्यारी सी भी लगनी चाहिए। तो या ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं और बहुत ही प्यारी भी लग रही हैं। तो सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही है कि मुझे झुमकियाँ पसंद आनी चाहिए और कुछ पसंद आए ना आए, लेकिन आई एम इन लव विद दिस झुमकी, मतलब बहुत प्यारी लगनी है बहुत ज़्यादा ठीक है, जो कि मैं ईद पर ट्राई करने वाली हूँ अपने ड्रेस के साथ। तो इंशाल्लाह ईद ब्लॉग भी आएगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ वो पोस्ट करूँगी, लेकिन ईद के बाद थोड़ा मसला हो जाएगा, पोस्ट नहीं कर पाऊँगी पेपर्स की वजह से। तो या आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस, मतलब कि मतलब बहुत प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर से आप आवाज़ सुने कितनी प्यारी आ रही है, मतलब जब मैं पहनूंगी और मैं चलूंगी तब प्यारा लगेगा ना। तो या अब दोनों से पूछते हैं ठीक है, ट्राई करेंगे, दोनों पसंद आया? Yes! ये झुमकी है, ये पूरी सारी चीजें जो इन्होंने दिखाई है ना बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त थी, लेकिन मतलब सही रिव्यू दो, मतलब अच्छा लगा कि नहीं, जो मैं पूछू ना बताना अच्छा लगा या नहीं, यस और नो ठीक है, मना ही लेना चाहिए। Yes! इन्होंने को भी पसंद आया, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया ये ठीक है। आप लोगों को भी पसंद आया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा आप लोगों का फेवरेट पार्ट क्या रहा और आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया ठीक है। तो या गाइस, इनकी ज्वेलरी मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई है, और आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस ज्वेलरी ठीक है। आपको पसंद आई है? आपको पसंद आई है ज्वेलरी इनकी? लाइक हाँ जी, इसको भी बहुत पसंद आई है, और इसने देखते ही कैसे पहन ली थी, ये कैसी लग रही है, ये कैसी लग रही है, इसको भी बहुत प्यारी लग रही है। तो ये आप ये पहन के दिखाएंगी? देखिए मैं तो आपको पहन के नहीं दिखा सकती, लेकिन ये मेरी मुन्नी पहन के दिखाएगी, कैसी लग रही है, वाओ बोलो वाओ गाइज, देखो गाइज मेरी मुन्नी ने पहन ली है, और हालांकि उसके कान में नहीं सीधे हुए, लेकिन मेरी जान ने पहन ली, तो ये हो गया, अच्छी लग रही है जी, ले लो चलो ले लो, लेकिन खराब नहीं करना, वाओ गाइज वाओ, दिखा रही है अभी। आपको सब चीज अच्छी लगी? बोलो वाओ, थैंक यू, बोलो थैंक यू।
गाइस मुझे इनकी ज्वेलरी पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस पार्सल, और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे पार्सल दिया, ईद गिफ्ट दिया, आसिफ ज्वेलर्स, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह ये मेरे जो है ना बिल्कुल सच्चे वाले रिव्यू हैं, मतलब ट्रू रिव्यूज़ हैं, ये ना मत समझिएगा पार्सल पसंद नहीं आया, पार्सल मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया और ये सब मेरी पसंद का था, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना काबिल समझा, आपने इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ज्वेलरी कितनी ज़्यादा किस लड़की को पसंद आई है, और बॉयज़ भी बोल सकते हैं कि उनको कैसी लगेगी और मैं पहनकर कैसी लगूंगी, मतलब कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ज्वेलरी कैसी लगी। तो यार गाइस इसी के साथ हमारा और आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको ज्वेलरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आपको ये मतलब कितनी ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है, आपको पसंद कितनी ज़्यादा आई है, और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स और अपनी वाइफ्स के साथ, और जो है ना सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, रेड कलर का बटन है नीचे सब्सक्राइब का, वो लाजमी पुशअप कर दीजिएगा। आई एम फुली ऑब्सेस विद दिस ज्वेलरी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो या गाइस आप लोगों के प्यार इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, इसी के साथ हम लोग आप लोगों से जाते हैं रुखसती, मतलब अल्लाह हाफिज़ से जाते हैं। तो या गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को एक अच्छी सी वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।